प्रभु के वचन में लिखा है, हम प्रभु के हाथों की बनाई हुई रचना है और उसके हाथों के बनाए हुए पात्र है, बर्तन है, जिसमें उसने अपनी असीम धन असीम महिमा को रखा है। अब कौन से बर्तन हैं, जो अंदर से साफ हैं, या फिर वो वाले बर्तन हैं जो अंदर से गंदे, जिनमें धूल जमी पड़ी है, जिनको कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो गंदे हो रखे हैं। आप सोच कर देखो, अगर कोई आपके हाथ में घी का या तेल का कनस्तर है, उस कनस्तर में से आपको तेल किसी बर्तन में डालना है, तो आप साफ बर्तन उठाओगे। कौन सा बर्तन? जो अंदर से साफ है। इस बात का ध्यान रखना, भले ही वो हल्का फुल्का बाहर से धूल मिट्टी जम रही है, वो तो साफ हो जाएगी बाद में, लेकिन जो अंदर से साफ है उसी के अंदर आप डालोगे। सोच कर देखो, जब आप अपने उस कीमती चीज़ को किसी गंदे बर्तन के अंदर नहीं डाल सकते, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी महिमा, अपना असीम धन, भरपूरी सामर्थ्य, शक्ति, आशीष कैसे हमारी ज़िंदगी में उड़ेल सकता है। तो अपने अंदर की इस पाप की धूल और इस मैल को, इस गंदगी को साफ करना है, जो पाप के कामों से भरी हुई है। जब तक साफ नहीं करेंगे, तब तक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वो प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। ये बुरे काम व्यवहार शब्द अंदर से निकलते हैं, इसको साफ कर।